बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। 10 वर्ष की केंद्र की सरकार, 7 वर्ष की उत्तर प्रदेश की सरकार, 17 वर्ष की सरकार में कोई जनता का काम नहीं हुआ। जो वादे किए थे कोई पूरा करने का काम नहीं किया। ना किसान की आय दुगनी हुई, ना 2 करोड़ नौकरियां मिली, ना काला धन आया, ना सरकारी संपत्तियां बच पा रही। जो कह रहे थे देश बिकने नहीं देंगे, देश के सारी संपत्तियां बेची जा रही। और अब तो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान और लोकतंत्र भी खतरे में है। उसकी बचाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने जो निर्देश दिया है, ये पीडीए पखवाड़ा गांव और जिलों और विधानसभा और ब्लॉक और सेक्टर में और बूथों तक जाएगा और वहां से बीजेपी को पर्दाफाश करके और बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम यही पीडीए पखवाड़ा करेगा। इंडिया गठबंधन में दरार आने की बात कही जा रही है, नीतीश कुमार अब बीजेपी में जा रहे, क्या कहना चाहेंगे? एनडीए में दरार है और ये जनता ने दरार डाली है। आपने देखा, ये जनता का जनसैलाब बता रहा है कि 24 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और गठबंधन में अब पीडीए एनडीए को हटाने का काम करेगा। क्या लगता है राजद की सरकार बनेगी फिर से? अब किस राज्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जनता बहुत पैनी नजर रखे है। जो बीजेपी कर रही है और करवा रही है, जनता इसका हिसाब 2024 में लेगी। और जनता में अब बीजेपी का क्रेज खत्म हो गया है। मैं तो गोरखपुर भी घूम के आया हूँ, मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, कोई काम नहीं है। न जानवर तक तो खेतों में चल रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने जिले में नहीं संभाल पा रहे हैं जानवर, तो और प्रदेश में क्या संभालेंगे? एक अस्पताल नहीं बनाया। 400 पार क्या कुछ कहेंगे बीजेपी? अब की गुजरात पार, प्रधानमंत्री गुजरात बैक, जनता अब की गुजरात वापस भेजेगी प्रधानमंत्री को। राम मंदिर अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें अखिलेश यादव जी को अब नहीं जाने को मिला। अब अखिलेश यादव जी अभी भी नहीं जा रहे, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बीजेपी क्या ठेकेदार है उसकी? भगवान राम क्या बीजेपी जब चाहेगी तभी दर्शन देंगे? अरे भगवान राम सदैव है, कणकण में राम है, और जब जाएंगे तब राम मिलेंगे। और बीजेपी जो बीच में ठेकेदार बन रही है, उनकी ठेकेदारी भी 2024 के चुनाव में खत्म हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पे बन रहा है, उसमें तो शंकराचार्यों ने कितनी बातें बता ही दी है। हम धर्माचार्य नहीं है, लेकिन बीजेपी ने जो वादा किया था वो पूरा करे और पूरा किया नहीं है, इसलिए बीजेपी का जाना तय है और दिल्ली से नया प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगा।